अगर आप भी रशिया जाने की सोच रहे हैं, वहां जाके अच्छी जॉब और अच्छा अर्न करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि रशिया में आपको कितनी सैलरी और कौन कौन सी जॉब्स आपको मिलने वाली हैं और कौन सा वीजा आपको लेके जाना चाहिए, क्योंकि काफी सारे जो लोग हैं जो वीजा को लेके कंफ्यूज है कि हमें कौन सा वीजा लेके रशिया में जाना है, बिजनेस वीजा पे जाएं, टूरिस्ट वीजा पे जाएं या फिर वर्क परमिट लेके जाएं, कौन से वीजा पे हम लीगल वहां पे काम कर सकते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको इस वीडियो में, तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइफ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में। रशिया जो कंट्री है, इस कंट्री का जो दूसरा नाम है वो रूस नाम से भी हम इस कंट्री को जानते हैं, और लैंड एरिया के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कंट्रियों में से रशिया भी एक है। रशिया की जो कैपिटल सिटी है वो है मॉस्को, और मॉस्को के बाद जो रशिया में सबसे फेमस सिटी आती है वो है सेंट पीटरबर्ग। और मॉस्को और सेंट पीटरबर्ग, इन दोनों सिटीज के नाम हम काफी बार सुन चुके होंगे, क्योंकि जितने भी जो लोग हैं जो इलीगल वे से, जिसे हम डोंकी भी बोल देते हैं, जो रशिया के रास्ते यूरोप में इंटर करना चाहते हैं, उनका जो सफर है इन्हीं में से किसी एक सिटी से उनका जो सफर है वो शुरू होता है। इसके बाद अगर हम बात करें रशिया में जो कौन सी लोकल करेंसी यूज की जाती है, तो वो रशियन रूबल है वो यूज किए जाते हैं। और एक रशियन रूबल को अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो जो एक रूबल है वो इंडियन करेंसी में आज के टाइम में 0.98 बन रहे हैं, जो 2 पैसे कम है 1 रुपीज से। और जब से जो रशियन यूक्रेन की जो वॉर चली है, तो जो काफी इफेक्ट हुआ, तो जो रशियन रूबल है वो काफी नीचे आ चुका है, तो ये फ्लक्चुएट जो है होता रहता है, कभी ऊपर जा नीचे जे जाता रहता है। और इसके बाद अगर लैंग्वेज की बात करें कि रशिया में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो जो लोकल लैंग्वेज है रशियन ही वो बोली जाती है। 95% जो लोग हैं वो अपनी लोकल लैंग्वेज रशियन लैंग्वेज ही बोलना पसंद करते हैं, और जो 5% तक लोग होंगे उनको जो थोड़ी बहुत जो इंग्लिश है वो आती है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि रशिया कंट्री के साथ और कौन कौन सी कंट्रीज के बॉर्डर्स लगते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि रशिया कंट्री इतनी बड़ी कंट्री है कि इसके साथ 14 और कंट्रीज के जो बॉर्डर्स हैं वो टच होते हैं। मैप में आप देख सकते हैं कि रशिया कंट्री इतनी बड़ी है कि इसकी जो एक साइड है वो एशिया वाली साइड है वो टच होती है, और दूसरी साइड वो देख सकते हैं कि यूरोप वाली साइड है वो टच होती है, और एक साइड आप देख सकते हैं कि जो है अलास्का के साथ है वो बिल्कुल पास है, जो कि यूएसए वाली साइड है। तो आप देख सकते हैं कि रशिया इतनी बड़ी कंट्री है। और रशिया के साथ जो और कंट्रीज के बॉर्डर्स लगते हैं वो आप देख सकते हैं कि नॉर्वे है, फिनलैंड है, इस्तोनिया है, लातविया है, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चाइना, नॉर्थ कोरिया और जो है मंगोलिया कंट्री है, इसके सभी के जो बॉर्डर्स हैं वो रशिया के साथ लगते हैं। तो ये मैंने 12 कंट्रीज के जो नाम है वो आपको बताए हैं जिनके बॉर्डर्स हैं वो रशिया के साथ लगते हैं, और जो 2 कंट्रीज हैं उनके बॉर्डर्स हैं वो कैसे रशिया के साथ टच होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो रशिया का एक और छोटा सा पार्ट है वो बिल्कुल यूरोपियन कंट्रीज के अंदर है, वो आप देख सकते हैं कि आप मैप में देख सकते हैं कि ये छोटा सा जो पार्ट है ये भी जो है रशिया का ही पार्ट है। तो इस पार्ट को हम बोल देते हैं क्लिंगर्ड ओब्लास्ट। तो इस रशियन पार्ट के साथ जो और यूरोपियन कंट्रीज के बॉर्डर्स लगते हैं वो आप देख सकते हैं कि एक लुथेनिया और जो पोलैंड कंट्रीज हैं इनके साथ जो इसके बॉर्डर्स हैं वो लगते हैं। तो इस तरह से जो टोटल 14 कंट्रीज हैं उनके जो बॉर्डर्स हैं वो रशिया के साथ लगते हैं। तो ये तो होगी कंट्री के बारे में बात। आगे हम बात करते हैं कि रशिया में हमें किस तरह की जो जॉब्स मिलने वाली हैं और उनकी जो सैलरीज हैं वो क्या रहने वाली हैं। तो सबसे पहले रशिया में आपको जो जॉब्स मिलने वाली हैं वो जॉब्स कुछ इस तरह से रहने वाली हैं, जैसे फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं इस तरह की आपको जॉब्स मिल जाएंगी, लोडिंग अनलोडिंग की जॉब्स होती हैं, स्टोर कीपर्स होते हैं, इस तरह की जॉब आपको वहां मिलेंगी। और इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन लाइन में जितनी भी जॉब्स आती हैं, जैसे मेसन है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है, इस तरह की जितनी भी जॉब्स होती हैं इन कंस्ट्रक्शन लाइन में वो सभी आपको जहां मिल जाएंगी। और अगर आपके पास कोई स्टडी है, कोई स्टडी जैसे आप बोलो कोई डिप्लोमा है आपके पास या कोई डिग्री है, फॉर एग्जांपल आपके पास मैकेनिकल या सिविल का, इलेक्ट्रिशियन का, कोई भी इस तरह की जो आपके पास स्टडी है, डिप्लोमा डिग्री है, तो उसके आपको काफी बेनिफिट मिलेंगे, आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको ज्यादा मिलने वाली हैं और आपकी सैलरीज भी वो है ज्यादा रहने वाली हैं। इसके बाद अगर सैलरीज की बात करें कि रशिया में आपको सैलरीज क्या मिलने वाली हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो सैलरीज मिलने वाली हैं ये काफी बातों पे डिपेंड करती हैं और इसकी जो भी आपका काम होगा उस पे भी डिपेंड करती हैं। तो मैं आपको आइडिया एक दे सकता हूँ। सबसे पहले आपको जो एजेंट आपको सैलरीज बताएंगे वो यूएस डॉलर्स में बताएंगे, वो कुछ आपके काम के हिसाब से सैलरी हो सकती है $450 से लेके $550 या $650 तक आपको वो इतनी सैलरी है वो बताएंगे। तो उनको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि कितनी आपकी जो सैलरीज है मिलेगी, लेकिन जो एक्चुअल में वहां जाके आपको सैलरीज मिलने वाली है, जाने की आपकी जो सेविंग होने वाली है वो आपको मैं एक आइडिया दे सकता हूँ। तो वहां जाके आपको जो जितने भी खर्चे होंगे वो सब निकाल के आपको जो
टोटली आपकी जो सेविंग होने वाली है, शुरू में जब आप वहां जाओगे तो आपकी जो सेविंग होगी वो आपकी 35,000 इंडियन रुपीज से लेके 45,000 इंडियन रुपीज तक, इतनी जो आपकी सेविंग है वो हो सकती है, कम या ज्यादा भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का काम है, आप किस प्रोफाइल में काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आपकी जॉब कोई अच्छी होगी, अच्छे आप स्किल लो, अच्छा आपके पास एक्सपीरियंस, आपकी कंपनी अच्छी है, अच्छा पे कर रही है, तो आपकी जो सैलरी है वो ज्यादा भी हो सकती है। हो सकता है कि आप इंडियन रुपीज में वहां 50,000-80,000 तक भी आप है वो कमा सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ कि इतनी जो आपकी सैलरीज है वो हो सकती है। और इसके बाद फूड अकोमोडेशन की बात करें कि जो फूड और अकोमोडेशन है वो आपको कंपनी देगी या नहीं देगी, जो टोटली जो है वो कंपनी पे डिपेंड करता है। कुछ कंपनीज हैं वो फूड अकोमोडेशन देती हैं और कुछ नहीं देती, तो जिस टाइम आपका जो एग्रीमेंट होता है उस पे ये मेंशन होता है, तो आप वो अच्छे से रीड करके कंफर्म कर लें कि जो कंपनी है वो आपको फूड और अकोमोडेशन दे रही है या नहीं दे रही है। और आपके जो एजेंट होगा उससे भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि जिस भी कंपनी में आपका जो एजेंट है वो आपको भेज रहा है वो आपको फूड और जो है अकोमोडेशन दे रही है या नहीं दे रही, तो ये बातें आप पहले ही उनके साथ क्लियर करें। तो इसके बाद बात आती है कि वीजा कॉस्ट क्या रहने वाली है। रशिया का अगर हम वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो उसका जो वीजा कॉस्ट है वो क्या रहने वाली है, तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी जो एजेंट है उनका जो अलग अलग है वो रेट है, किसी का कोई भी जो है वो फिक्स रेट नहीं है। कोई कितने लेता है वो अपने अपने हिसाब से, वो सभी है वो अपना जो रेट है वो ले रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन रुपीस में जो है 1,50,000 से लेके 2,00,000 तक भी जा सकता है, और जो 3,00,000 तक भी जो एजेंट है वो इतने पैसे हैं वो ले रहे हैं रशिया के वर्क परमिट के लिए। और इसके बाद बात आती है कि सक्सेस रेट क्या रहने वाला है, अगर हम इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा जो वीजा लगने के चांसेस हैं वो कितने रहेंगे। तो जो रशिया का वर्क परमिट है इसमें जो सक्सेस रेट है वो काफी अच्छा है, 99% जो आपको वीजा मिल जाता है। तो इसमें काफी सारी बातें हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपका वीजा लगेगा या नहीं लगेगा, अगर आपके जो डॉक्यूमेंट है सब जो फाइल है वो एकदम जेन्युइन तरीके से हुई है तो इस कंडीशन में आपका जो वीजा है वो जरूर लगेगा, 99% जो चांसेस होते हैं कि आपका वीजा है वो आपको जरूर मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात कर लें कि जो रशिया का जो वर्क परमिट है उसमें कितना टाइम लगता है, जो टोटल प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना रहने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका टाइम लगेगा वो 2 महीने से लेके 3 महीने तक का जो टोटल कंप्लीट प्रोसेस में इतना टाइम आपका लग सकता है, थोड़ा सा कम या ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो मैं आपको आइडिया बता रहा हूं कि इतना टाइम है वो आप लेके चलो। तो इसके बाद अभी हम बात कर लेते हैं कि जो काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि कौन सा वीजा टाइप हम लेके जाएं कि वहां जाके रशिया में हम लीगल तरीके से वहां जाके हम काम कर पाए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप वहां काम करने ही जा रहे हैं तो आप बिल्कुल अपना जो है वर्क परमिट ही लेके जाए। अगर आप बिजनेस वीजा पे चले जाते हो, टूरिस्ट वीजा पे चले जाते हो, तो वहां जाके अगर आप काम करते हो पकड़े जाते हो तो आपको जो कोई ना कोई प्रॉब्लम है वो हो सकती है, वहां से आपको डिपोर्ट कर सकते हैं, आपको कोई फाइन पड़ सकता है। तो इस तरह से अगर आपको वहां काम ही करना है तो आप जो है वर्क परमिट पे ही वहां जाएं। एंड में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा कि अगर आप रशिया में जाने की सोच रहे हैं, वहां जाके काम करना है, तो आपको जो है रशियन लैंग्वेज है वो सीख लेनी है। बेसिक जो लैंग्वेज होती है, हेलो, हाय तक, लेफ्ट, राइट, इस तरह की जो नॉर्मल बातें हैं, जो नॉर्मल वर्ड्स हैं, वो रशियन लैंग्वेज में आपको सीख लेने हैं। आपको जो इंग्लिश है वो आनी चाहिए थोड़ी बहुत, और उसके साथ साथ रशियन भी आपको आनी चाहिए, तो वहां जाके आपके लिए जो चीजें हैं वो काफी ईजी हो जाएंगी। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, रशियन बिल्कुल नहीं आती, एक भी वर्ड नहीं आता, तो आपको जो शुरू में वहां जाके काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। तो आपको जो रशियन लैंग्वेज है अगर आप एडवांस में सीखना शुरू कर देंगे तो आपके लिए एक बेनिफिट होने वाला है। और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपको कोई एजेंट ऐसे कह के बोल रहा है कि आप रशिया का वीजा लेके चले जाओ, रशिया का वर्क परमिट आपको मैं दे देता हूं, वहां से आगे आपको फिर इजीली है वो यूरोप में किसी भी कंट्री में इंटर करवा देंगे, तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये बात बोल के वो आपको जो रशिया का वीजा ही 5-6 लाख में बेच रहा है तो आपको इस चीज में नहीं फंसना है, क्योंकि जो रशिया से यूरोपियन कंट्री में मूव होना बिल्कुल भी ईजी नहीं है, जो शेंजन कंट्रीज है वहां पे इंटर होना जो रशिया से ईजी नहीं है, वहां से आपको जहां तो फिर जो है वीजा लेके ही जाना पड़ेगा, और जहां जो दूसरा रास्ता आता है वो इलीगल वे से, वो है डंकी के रास्ते जिसे हम बोल देते हैं, वो ऐसे बॉर्डर है वो क्रॉस करवाते हैं, तो ये रास्ता बिल्कुल भी ईजी नहीं है। डंकी की क्या कंडीशन होती है वो मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, वो आपको वीडियो आप देख सकते हैं कि आई बटन में भी मिल जाएगी और एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी, तो वहां जाके आपको जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो उसके बारे में मिल जाएगी। तो इस तरह से जो भी आपका डिसीजन होगा वो बिल्कुल आप सोच समझ के लें, जो भी आपके पैसे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल से आपने कमाए होते हैं, तो उसको बिल्कुल भी खराब नहीं होने दो, अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेके फिर आपका कोई भी डिसीजन है वो आपको लेना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो रशिया कंट्री के बारे में और रशिया कंट्री के वर्क परमिट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जरूर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको जरूर हेल्प करेगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। और अगर आपका कोई और सवाल होता है जिसका आंसर आपको इस वीडियो में ना मिला हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, और पर्सनली हमें इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टेक्ट
कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप देख सकते हैं कि आपको वीडियो के ऊपर भी मिल जाएंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।